गुड मॉर्निंग क्लास अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांगशु पांडे फैकल्टी ऑफ जीके एट एसएसबी क्रैक एग्जाम सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी का वार्म वेलकम हार्दिक स्वागत आज के इस डेली डिफेंस करंट अफेयर की क्लास में सभी बच्चे जितने भी क्लास से लाइव जुड़े हैं और वो अपने कॉपी और नोट्स को लेकर बैठ जाइए जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आज डिस्कस आपसे किए जाएंगे उन सभी को आप नोट डाउन भी कर सकें और इस क्लास को लाइक शेयर करते रहिए जो बच्चे अभी सो रहे हैं उनको भी आप जगाइए कि वो फटाफट आए इस क्लास से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को आने वाली एग्जामिनेशन के लिए और भी बेहतर बनाते जाएं। तो शौरवीता बलिदान केशव अश्विन अनीश रोशन कुणाल प्रिया सभी को गुड मॉर्निंग जय हिंद और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की एज यू नो दैट एसएसबी क्रैक एग्जाम इज द इंडियाज नंबर वन ई लर्निंग पोर्टल वेयर वी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ video lectures in our app daily live classes study plans study notes we conduct weekly and monthly uh, basis mock tests that you can analyze your rank analysis and enhance your preparation also we give the access of our documents and videos in the offline mode that you can uh, do 24 into 7 hour study in your home and also we give the uh, updated syllabus that you can easily adapt the all the things and boost your preparation. These are all the courses like SSB Interview Online Course, NDS, CDS, MNS, and many others. Bundles and test series of all the courses are available in a very affordable and in a qualitative manner. So you can avail it and enhance your preparation. You can download the PDF of this daily defense current class from our blog and telegram channel. So visit there and download it. दोस्त स्टूडेंट रियली वॉन्ट टू डू प्रिपरेशन विथ एस एस बी क्रैक एग्जाम दे कैन यूज दिस वॉर टेन कोड एंड गेट टेन परसेंट फ्लैट डिस्काउंट इन ईच एंड एवरी कोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग बाई दी एस एस बी क्रैक एग्जाम सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास बाई क्वेश्चन ऑफ द डे सो द क्वेश्चन ऑफ़ द डे वॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस गन सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए उसके बाद हम जानेंगे कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा और सभी बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए चलिए सभी के आंसर भी आ रहे हैं अश्विन आशीष अनीश और बाकी सब जागते रहिए ना सभी क्वेश्चंस के आप आंसर भी देते रहिए और सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एंड द राइट आंसर इज इट इज अ ए के फोर्टी सेवन राइफल ओके देखिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अगर राइफल कही जाएगी कोई और क्यों कही जाती है ये ए के फोर्टी सेवन वर्ल्ड की बेस्ट क्योंकि ये किसी भी टीरेन में किसी भी मौसम में आसानी से बिना रुके आपकी चलती रहती है इसलिए ये को, इसको वर्ल्ड की सबसे बेस्ट राइफ़ल कहा जाता है इसका हम अगर आ, बुलेट का कार्टिज देखें तो सेवन पॉइंट सिक्स टू इंटू थर्टी नाइन एम एम की होती है ये इफेक्टिव रेंज इसकी थ्री हंड्रेड मीटर है मजल वेलोसिटी सेवन हंड्रेड टेन मीटर पर सेकेंड यानी कि पर सेकंड इसकी जो बुलेट होती है वो 700 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है और 300 मीटर की दूरी को ये कवर किया करती है इसका वेट काफ़ी हल्का होता है 4.3 ना न विदाउट मैगजीन है ये अगर हम मैगजीन के साथ पूरी लगा दें तो लगभग आपकी पाँच किलो चली जाएगी लेंथ एट सेवेंटी एम एम रेट ऑफ फायर 600 यानी कि पर मिनट में इस आपके गन से 600 गोलियां आप जो है फायर कर सकते हो गैस ऑपरेटेड है सेमी ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक दोनों ही इसमें फायरिंग मोड दिए हुए रहते हैं और साइड जो है इसमें आयरन साइड एडजस्टेबल रहती है जिससे कि आप जो है निशाना अपने दुश्मन के ऊपर आसानी से लगा सकते हो तो ये थी सबसे बेहतरीन राइफल ए के फोर्टी सेवन शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की अपने पहले इवेंट से सो द फर्स्ट इवेंट इज मेजर सुरेंद्र मलिक पार्टिसिपेटेड इन द आयरन मैन कॉम्पिटिशन तो देखिए जो आयरन मैन कॉम्पिटिशन है दुनिया का सबसे टफेस्ट कहे जाने वाला कॉम्पिटिशन होता है जो कि हर साल आपके दुबई में इसको मनाया जाता है इस बार इंडियन आर्मी की तरफ से मेजर सुरेंद्र मलिक ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया अब आप कहेंगे ये कैसे आपका सबसे टफ होता है क्योंकि आपके सिंगल डे में एक ही दिन में आपको जो है ना ट्रायल एथॉन कंप्रोमाइजेस स्विमिंग फॉलोड बाय साइकिलिंग एंड हाफ मैराथन करना पड़ता है यानी कि स्विमिंग भी होगा साइकिलिंग भी होगा और हाफ मैराथन कवर करना पड़ता है जिसमें हमारे जो आर्मी के मेजर हैं ना मेजर सुरेंद्र मलिक इन्होंने इन तीनों में पार्टिसिपेट किया और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे कोई एक जवान ऑफिसर जो है इस वर्ल्ड की सबसे आपके टफेस्ट गेम कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत को जो है वहाँ पर भारत का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी जब, जब आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप जाओगे तो आपको भी चांस दिए जाएंगे कि आप भी जो है इस इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इवेंट है इंडियन आर्मी वोन गोल्ड इन लॉन्ग जंप तो देखिए नायब सुबेदार आर एस राव ऑफ इंडियन आर्मी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है आपके लॉन्ग जंप में टी सिक्सटी इवेंट विथ अ जंप ऑफ सिक्स मीटर एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स हेल्ड इन दुबई एंड ब्रॉड लॉर टू द नेशन एंड द इंडियन आर्मी तो देखिए दुबई में आपका ये चल ही रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स चल रहा है तो वहां पर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं जिनका नाम नायब सुबेदार आर एस राव है उनके द्वारा लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता गया है जिससे कि भारत का एक बार फिर से नाम हुआ है नेक्स्ट इवेंट ब्रेव हार्ट कपिल वोन गोल्ड इन फिफ्टी मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट देखिए आपका ये ट्वेंटी फर्स्ट नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप आपकी ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें इंडियन आर्मी के सिपाही कपिल ने जो है आपका ये गोल्ड मेडल 50 मीटर के आपके उसमें जीता है और ये भी जो है एक सबसे अच्छी बात है कि जो भी हमारा पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप होता है उसमें जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं ना जो किसी न किसी तरह से असक्षम हैं वो भाग लेते हैं और अगर हम सिपाही कपिल की बात करें तो इन्होंने जो है आपके हमारे एल की रक्षा करते हुए जो है अपना एक पैर जो है गवा दिया था उसके बावजूद भी इन्होंने इस आपके कंपटीशन में 50 मीटर की स्विमिंग कंपटीशन चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है तो ये तीनों इवेंट आपका इस्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि अगर आप कॉपी किताब लेकर पढ़ाई करोगे तो सिर्फ आपके दिमाग का विकास होगा लेकिन अगर आप रियल ग्राउंड में जाओगे तब आपके शारीरिक का विकास होगा ठीक है जिससे कि आप जो है दूसरे लोगों से घुल मिल भी पाओगे ना और आपके अंदर एडॉप्टेबल की जो क्वालिटी क्वालिटी होती है जो जिसको हम ऑफिसर लाइफ -like क्वालिटी कहते हैं वो भी आपके अंदर आ पाएगी नेक्स्ट इवेंट मिलिट्री कोर्ट टेल्स इंडियन एयरफोर्स टू अलाउ जवान हु क्लियर यू एग्ज़ाम टू क्विट एंड ज्वाइन एज सिविल सर्विस ऑफिसर तो देखिए ये केस चला आ रहा था कि जो भी हमारे ऑफिसर या जवान हैं वो अगर यू की परीक्षा क्लियर करते हैं तो उनको जो है उस मतलब अपने फोर्स को छोड़कर वहाँ पर जाने में बड़ी कठिनाइयाँ पेश होती थी और इसीलिए जो है इंडियन एयरफोर्स के दो जवानों के द्वारा एक प्ली जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के मिलिट्री कोर्ट में जो है फाइल की गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए आर्म फोर्सेस जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स अपने ऐसे जवानों को अनुमति दे जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब वो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं आप जानते हैं कि लबासना जो कि लाल बहादुर शास्त्री एक एडमिनिस्ट्रेटिव जहां पर आई की जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है वहां पर होता है तो इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी जवान हैं जिन्होंने पी और यू के एग्ज़ाम को क्लियर किया है तो इस पर सुनवाई करते हुए आपके आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स उनको अलाउ करे कि वो अपने ग्रेड ए सर्विस के लिए जो है इस फोर्स को छोड़कर जो है वहाँ पर ट्रेनिंग करने जा सके जो कि एक अच्छा कदम है जिससे कि हमारे जितने भी जवान हैं वो अपनी सर्विस करते हुए पढ़ सकेंगे और अगर वो पढ़ के किसी भी आपकी स्टेट लेवल या फिर आपकी नेशनल लेवल की एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करते हैं तो उनको आगे बढ़ने का चांस हमारी फोर्सेस के द्वारा दिया जाता है नेक्स्ट इवेंट विमेन सर्विंग इन द डिफेंस फोर्सेस आप जान रहे हो कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और कल रक्षा राज्य मंत्री ने देश के सामने कुछ आपके डेटा रखे हैं और बताया है कि अभी हमारी आर्म फोर्सेस में चाहे वो आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो या फिर आर्म फोर्सेस आपका मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम हो वहाँ पर हमारे जो विमेंस कैंडिडेट हैं उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है तो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो हम यहाँ पे पाते हैं कि इंडियन आर्मी में स्ट्रेंथ ऑफ वूमेन एक्सक्लूडिंग मेडिकल डेंटल एंड नर्सिंग ऑफिसर अगर हम आ, आर्मी एयर डिफेंस की बात करें तो टोटल एट्टी टू अभी काम कर रही हैं और ये सभी ऑफिसर एंट्री हैं कोर ऑफ इंजीनियर्स टू सबसे ज्यादा कोर ऑफ सिग्नल टू आर्मी सर्विस कोर टू आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जिसको हम एओसी कहते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा आपकी वुमेन ऑफिसर्स हैं थ्री हंड्रेड नाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स टू हंड्रेड सेवेंटी फोर और जितनी भी गर्ल्स मुझे अभी सुन रही हैं पढ़ रही हैं वो आप सभी जानते रहे कि किन किन कोर्स में जो है वीमेंस को जाने दिया जाता है ओके और अब तो आप परमानेंट भी हो सकती हैं इंटेलिजेंस कोर 82 आर्मी एविएशन कोर 29 अगर आपको इंडियन आर्मी में जाके पायलट बनना है तो आप आर्मी एविएशन कोर को ज्वाइन कर सकते हो आर्मी एडुकेशन कोर 82 और जज एडुकेट जनरल ब्रांच वन ट्वेंटी जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जैग कहते हैं और जैग का हर साल जो है साल में दो बार इसकी डायरेक्ट इंट्री का फॉर्म भी आता है जिसकी एस होती है अब चलिए इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग पायलट में जो है अभी अगर हम फीमेल की स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल फिफ्टीन है फ्लाइंग पायलट देखिए स्ट्रीम एफ एच टी होता है अलग अलग स्ट्रीम्स हैं फिफ्टी थ्री फाइलिंग फ्लाइंग पायलट फिफ्टी थ्री फ्लाइंग नेविगेटर ट्वेंटी वन क्योंकि नेविगेट करने के लिए रास्ता बताने के लिए पायलट को जो है ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भारतीय वायुसेना में जो है ट्वेंटी वन अभी महिलाएँ कार्यरत हैं एरोनाटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में सिक्सटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइव फाइव वन सबसे ज़्यादा और आप ये गार्ड बांध की बात याद रखिए कि चाहे हमारी इंडियन एयरफोर्स हो या फिर हमारी इंडियन नेवी हो ना और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी हो दोनों ही ऐसे कैंडिडेट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं जिनका बैकग्राउंड आपका साइंस स्ट्रीम का हो क्योंकि आप जान लो कि ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी चल रही है आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस में कमांड है तब आप अपने आने वाले जो है जो भी आपका करियर है उसमें और भी बेहतर कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इंडियन एयरफोर्स में फोर हंड्रेड सेवन आपकी ऑफिसर्स हैं महिला ऑफिसर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट वन फिफ्टी अकाउंट्स में वन थर्टी फाइव एडुकेशन नाइन्टी फाइव एंड मेट्रोलॉजिकल हंड्रेड तो मेट्रोलॉजी भी जो है आपका एक साइंस होता है मौसम विज्ञान से रिलेटेड ओके okay? अगर हम इंडियन नेवी की बात कर लें तो देखिए एग्जीक्यूटिव वो भी लॉजिस्टिक ब्रांच में वन थर्टी फोर एग्जीक्यूटिव लॉ एट एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्वर्स 73 थ्री एग्जीक्यूटिव पायलट्स तो भा भारतीय नौसेना में टोटल टेन आपकी जो है एग्जीक्यूटिव पायलट में हमारी गर्ल्स कैंडिडेट काम कर रही हैं एग्जीक्यूटिव ए टी सी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ए टी एयर एग्जीक्यूटिव एन ए आई थर्टी फोर तो इसी प्रकार से पूरी लिस्ट जो है दी गई हुई है और अगर हम आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस की बात करें क्योंकि जितनी भी गर्ल्स रहती हैं सबसे ज़्यादा उनका कहना होता है कि सर हमें डॉक्टर बनना है ओके okay? तो चलिए देखते हैं डॉक्टर हमारी सेनाएं आपको कितना बना रही हैं अगर हम आर्मी की बात कर लें और वो भी ए में आर्मी मेडिकल कोर में तो देयर आर टोटल ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी वेमेंस हु आर सर्विंग इन दी ए कोर इफ वी टॉक अबाउट दी आर्मी डेंटल कोर देन वन सेवेंटी सेवन वेमेन आर सर्विस नेवी की बात करें आर्मी मेडिकल कोर में वन फोर्टी फाइव है और ए डी सी में ये जो आपकी सेवन है एयरफोर्स में टू एट्टी वन और फाइव की है और वहीं अगर हम मिलिट्री सर्विंग की बात करें तो टोटल फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी फोर विमेन कैंडिडेट्स आर सर्विंग इन दी एम एन एस ठीक है एम एन एस आप जानते हो कि साल में एक बार एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही इसके लिए एलिजिबल हैं और इस इस एग्जाम में आपके टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरिट भी बनती है जिसके बाद रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका पी भी इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू को जो भी लड़कियां क्लियर कर लेती हैं उनका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनता है और उसके बाद वो आपके चार साल के डिग्री कोर्स के लिए जाती हैं और फिर एम में जाके वो लेफ्टिनेंट का जो है रैंक सबसे पहले अटेन करती हैं तो एम एन एस भी सबसे अच्छी है और हमारी अब तो जितनी भी फोर्सेस हैं आपको कमीशन भी करवा रही हैं जो कि सबसे अच्छी बात है आप परमानेंट बन जाती हो और जिससे कि आप अपने आने वाले करियर में और भी ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर पाओगे नेक्स्ट इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस 473 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद जीएसएल तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने आपके कल ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जिसको जीएसएल कहा जाता है उनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एट फास्ट पेट्रोल वेसल जिसको हम ओ कहते हैं उसकी इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ना के लिए 473 करोड़ का एक प्रोजेक्ट साइन किया है और ये सभी एट फास्ट पेट्रोल वेसल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत में ही तैयार किए जाएंगे जिससे कि हमारे आत्मनिर्भर भारत को और भी गति मिल सकेगी और हम अपने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं खुद ही बना सकेंगे और आप जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडेजेनाइजेशन के लिए स्वदेशीकरण के लिए तेजी से कार्य कर रही है इस कारण से हमारे रक्षा मंत्रालय ने आपके जीएसएल के साथ ना इस आपके 473 करोड़ की डील को साइन किया हुआ है नेक्स्ट इवेंट फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव एंड इनिशिएटिव टू स्पीड ऑफ इंडियन एयर फोर्स वॉय मूवमेंट्स तो आपका कल ही हमारे जो इंडियन फोर्स के चीफ हैं वीआर चौधरी विवेक राम चौधरी ने आपके इंडियन ऑयल कोऑपरेशन के साथ जो है फ्लीट कार्ट फ्यूल ऑन मूव के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है और आप जानते हो कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है काफ़ी वास्ट है उसमें आपके अलग अलग विमान हैं अलग, अलग अलग आपके हेलीकॉप्टर्स हैं ना ट्रांसपोर्ट विमान है तो सबको अलग अलग टाइप का फ्यूल भी लगता है तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन ऑयल कोऑपरेशन के साथ जो है इस एग्रीमेंट पर साइन किया है ठीक है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की कॉनवाई की, की मूवमेंट आसानी से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और अब इंडियन एयरफोर्स जितना भी उनके रिक्वायरमेंट का फ्यूल होगा वो इंडियन ऑयल के साथ ही डील करेंगी और खरीदेंगी जिससे कि हम घर में ही रह के अपनी जितनी भी हमारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको और भी मजबूत करें और उनमें विश्वास जगाएं नेक्स्ट इवेंट नेवी ओपन लेजर एंड बहिया सेलिंग चैंपियनशिप 2022 तो लगातार एक के बाद एक आपका चाहे हम वर्ल्ड में देखें या फिर अपने आ, नेशन में देखें तो आपके बहुत सारे चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुए हैं उसी तरीके से बहिया सेलिंग चैंपियनशिप नेवी के द्वारा अभी कंडक्ट करवाया गया था जिसमें इंडियन नेवी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर जो कि आपके कारवार में है और मुझे कमेंट करके बताए कि कारवार कहाँ पर है ओके कंडक्टेड द नेवी ओपन लेजर एंड भैया चैंपियनशिप जिसको 22 से 26 मार्च तक चलाया गया आपके इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के साथ जिसमें हमारे बहुत सारे जितने भी इंडियन नेवी के कैडेट्स हैं यहाँ तक कि एन में जितने भी कैडेट्स काम कर आपके आ, ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्होंने भी इस आपके चैम्पियनशिप सेलिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया याचमैन विमेन फ्रॉम ऑल थ्री कमांड्स इंडियन नेवी विस वेस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड एंड सदर्न नेवल कमांड यहाँ के जितने भी कैडेट्स ऑफिसर्स महिलाएं थीं सभी ने जो है इस याचिंग में पार्टिसिपेट किया आर्मी की तरफ से भी बहुत सारे ऑफिसर्स कैडेट्स आए हुए थे एनडी के तरफ से जिन्होंने इस कारवार हार्बर में जो है इस आपके सेलिंग चैंपियनशिप में ऑर्गेनाइज हुए पार्टिसिपेट किया और अपने बिल्कुल सही बच्चों ठीक है और अपने जितने भी उनके ट्रेनिंग हैं उनको और भी मजबूत किया किसी भी तरह से हम किसी भी गेम और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जितना पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही हम अपनी पर्सनालिटी को और भी इंक्रीज़ कर पाते हैं तो आप भी अगर अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो स्कूल में पढ़ रहे हो अब तो कोरोना चला गया है आप सभी के कॉलेज स्कूल खुल रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके गेम्स या फिर डिबेट ऑर्गेनाइज होते हैं ड्रामा डांस तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी और भी निखर के आएगी नेक्स्ट इवेंट गवर्नमेंट प्लान टू प्रोक्योर मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ फाइव लाख करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स तो देखिए अब भारत सरकार ये प्लान कर रही कि आने वाले आपके चार से पांच सालों के अंतर्गत हम जो है अपने देश में जो है पांच लाख करोड़ का एक डोमेस्टिक सोर्स का मार्केट क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो सके और हम अपने डोमेस्टिक जितने भी हमारे बायर सेलर्स हैं उनको और भी भरोसा दिलाकर उनसे ही अपने ज़रूरत की नीड को जो है पूरा कर सकें इन ऑगस्ट 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस दैट इंडिया विल स्टॉप द इंपोर्ट ऑफ 101 वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कन्वेंशनल सबमरीन क्रूज मिसाइल्स एंड सोनार सिस्टम तो 2020 में भारत सरकार की ओर फैसला लिया गया कि हम टोटल 101 वेपन्स पर रोक लगाएंगे जिसको हम दूसरे देशों से खरीदा करते हैं और दूसरी कैटेगरी दूसरी लिस्ट अभी हाल ही में शामिल हुई थी जिसमें ये कहा गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय वन मिलिट्री वेपन्स और सिस्टम जिसमें आपके नेक्स्ट जनरेस नेक्स्ट जनरेशन कॉटीज आते हैं एयरबोन अर्ली वार्निंग सिस्टम आते हैं टैंक इंजन रडार ये सब आते हैं उनको जो है उन पर प्रतिबंध लगाएंगे और उनको हम बाहर के मार्केट से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे जिससे कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और भी गति मिल सकेगी और ऐसा करते हुए आने वाले पाँच से सात सालों में आपका जो हमारी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है वो फाइव लाख करोड़ का जो है एक टेंडर हमारे सभी डोमेस्टिक को देगी जिससे कि वो हमारे थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री करोड़ रुपीज रिसीव एफ डी आई इन डिफेंस टू थाउजेंड फोर्टीन आपका जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कल ही हमारे रक्षा रक्षा राज्य मंत्री नहीं कहूँगा हमारी राज्य मंत्री हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट दी गई और उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अभी तक रक्षा मंत्रालय में टोटल जो है 3443 करोड़ रुपीज की एफ आई है एफ क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिन बच्चों को नहीं पता होगा एफ के बारे में मैं उनको बता देना चाहता हूँ मान लीजिए ये हमारा कंट्री है ठीक है और कंट्री में हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं लेकिन हमारा देश क्या है एक मिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी का एक कंट्री है जिसको आपके विदेशों से क्या चाहिए होता है धन भी चाहिए होता है हमारी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है जिससे कि हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए तो विदेशों से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारे यहाँ आपकी जॉब्स क्रिएट होंगे तो इसीलिए अभी आपके डिफेंस सेक्टर में भारत में वर्ष 2014 के बाद से टोटल 3,343 करोड़ रुपीस की एफ आई आई है जिससे कि आ, हम हमें और भी एडवांटेज मिल रहा है और उन्होंने एक डेटा कहा दिया कि 2001 से लेकर 2014 तक भारत में जो एफ आई है वो सिर्फ 1382 करोड़ रही है वहीं आपके पिछले सात सालों में 2014 के बाद से 2021 तक भारत में थ्री करोड़ रुपीज़ की एफ आई है जो कि ये बताता है कि भारत एक सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है हम फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट आपका साउथ चाइना सी और यूएस और चाइना से रिलेटेड है यूएस मिलिट्री हेल्ड मिलिट्री ने जो है अभी एक थिंक टैंक रिपोर्ट आई है कि यूएस मिलिट्री के द्वारा टोटल हंड्रेड लार्ज स्केल मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना के बॉर्डर की तरफ यानी कि साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया है जिससे कि अमेरिका अपनी प्रिपरेशन साउथ चाइना की सी के तरफ और भी मजबूत कर रहा है द यूएस मिलिट्री कंडक्टेड नाइन्टी फाइव एक्सरसाइज इन एंड नियर द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी एक्चुअल नंबर ऑफ एक्सीडिंग हंड्रेड साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव और इस पर जो है चाइना ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि वो उसकी मैरी टाइम सोविटी के खिलाफ जो है एक कदम है जिसको अमेरिका के द्वारा लिया जा रहा है नेक्स्ट इवेंट ये सबसे बेहतरीन इवेंट है आप सभी जानते हो कि कल ही जो है पद्मश्री पुरस्कार और जितने भी अन्य पुरस्कार हैं वो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं और सूबेदार आपके जो नीरज चोपड़ा हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कल ही दिया गया है क्योंकि आ, इनके नाम की घोषणा पहले से कर दी गई थी और पिछले साल आपके सात जुलाई दो को इनके द्वारा भारत को जो है टोक्यो ओलंपिक्स में हुए जो आपका आ, ये भाला फेक था जेवलिन थ्रो था उसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल भारत को जिताया था इस कारण से इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट इवेंट पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति स्टैब्लिस्ड एट आईआईटी आई, आई खड़गपुर तो भारत का सबसे आपका पेटा स्केल जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है परम शक्ति है उसको आईआईटी आई खड़गपुर में जो है आपका इंस्टॉल करा दिया गया है जो कि आपका एक ज्वाइंट वेंचर है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस आपके परम शक्ति सुपर कंप्यूटर के साथ जितने भी आपके आईआईटी आई खड़गपुर में रिसर्चर हैं वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आर एन डी कर सकेंगे और अपनी स्टडी को और भी इन्हेंस कर सकेंगे किन किन आपके सब्जेक्ट्स में वो आपकी स्टडी कर पाएंगे तो देखिए कंप्यूटेशनल फ्लू डायनमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स क्लाइमेट चेंज डिजिटल अर्थ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल सिटी स्मार्ट मटेरियल एक्सेट्रा आप जानते हो कि जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हैं वो सबसे बेहतरीन भारत का आपके सुपर कंप्यूटर है और इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे रिसर्चर्स कार्य कर सकते हैं और हमारे देश के लिए कुछ नया इवेंट और इनोवेशन कर सकते हैं तो आईआईटी खड़गपुर में इसका इंस्टॉलेशन किया गया है नेक्स्ट इवेंट इंडियन नेवीज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एराइव एट श्रीलंकन एयरफोर्स बेस तो देखिए इंडियन नेवी का जो आपका एल हेलीकॉप्टर वो श्रीलंका के एयरफोर्स बेस में जिसका नाम के है वहाँ पर श्रीलंका के एयरफोर्स के एविएटर्स जो हैं और श्रीलंका नेवी के जो शिप्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग देने के लिए हमारे नेवी के पायलट वहाँ पर गए हुए हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि श्रीलंका के नेवी के जितने भी पायलट्स हैं वो हमारी नौसेना से कुछ सीख सकें और अपने आपकी ट्रेनिंग को और भी बढ़ा सकें और आप जानते हैं कि श्रीलंका हमारा एक सबसे अच्छा पार्टनर है सबसे अच्छा पड़ोसी देश है जिसकी मदद भारत करता भी आया है तो ये थे बच्चों आज के आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो सभी फटाफट आप सभी तैयार हो जाइए ओके और आगे चलने से पहले अपने एस इंटरव्यू तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप सभी हमारे एस इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस हमारी फैकल्टी के द्वारा दी जाएगी और आप आने वाले एग्जाम में अपनी रिकमेंडेशन भी ले पाओगे इन कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो फटाफट विजिट करिए और अपने तैयारी को और भी बढ़ाइए समय आता है आज के रिव्यू क्वेश्चन का एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज परम शक्ति इज सुपर ट्रांजिस्टर सुपर कंप्यूटर हाइपरसोनिक व्हीकल या फिर बुलेट और आप सभी जो एस एस बी क्रैक एग्जाम की तरफ से एन डी और सी डी एस के लाइव क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसमें आप मौजूद रहते हैं कि नहीं ना क्योंकि सभी क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार वो चलती रहेगी आपके नाइन्थ अप्रैल तक एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन एर्नाकुलम चैनल इज एट आंध्र प्रदेश केरल गोवा या फिर उड़ीसा एर्नाकुलम चैनल यहां में इसमें से कहां पर है किस राज्य में आपका है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला ठीक है यहीं पर आपका जो अभी ने, नेवी का सेलिंग चैंपियनशिप हुआ है यहीं पर आपका कंडक्ट भी किया गया था सी डैक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डायरेक्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवोकेट कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग लगातार आप सभी कमेंट करते जाइए और इस क्लास से आप जुड़ते जाइए सभी बच्चों को बुलाइए कि आ, आ, क्लास लाइव है रिव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं और लाइक शेयर भी बच्चों करते जाइए ओके पूरी जोश एनर्जी आपकी बनी रहे पूरे क्लास में एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इनका आपका स्थापना दिवस थर्टी फिफ्थ इनका फाउंडेशन डे आपका सेकेंड अप्रैल को होगा जो कि भारत के लिए जितने भी आपके कंप्यूटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, यही उनको डेवलप करती है सी ओके। थर्टी फिफ्थ फाउंडेशन डे सेकेंड अप्रैल को मनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ जी एस एल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एट ओपीवी सिक्स समू एलएच या फिर वन ट्वेंटी तेजस मार्क सेकेंड अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल 473 करोड़ रुपीस वर्थ का आपका जो है डीसल के साथ किस चीज को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है ओपीवी जिसको हम ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर फास्ट पेट्रोल वेसल कहते हैं सबमरीन आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर तेजस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एट ऑप्शोर पेट्रल विसल जिसको हम फास्ट पेस्ट्रल विशल कहते हैं तो कल ही इसकी डील हुई है जिसकी टोटल वर्थ है 473 करोड़ रुपीस बहुत सारे एग्जामों में आपकी डील का वर्थ यानी कि प्राइस भी पूछ लिया करता है तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स हेल्ड इन न्यूयॉर्क दुबई बीजिंग या फिर तेहरान वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स कहाँ पर आयोजित हो रही है और इसका हिंट मैं दे दूं कि जो हमारे भारतीय सेना के जो आपके एक जवान है उन्होंने जो है इसमें गोल्ड भी जीता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओके दुबई तो दुबई में हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने गोल्ड भी जीता है तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा रिसीव्ड परमवीर चक्र महावीर चक्र पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में कौन सा आपका अवार्ड मेडल प्राप्त हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज पद्मश्री ठीक है पद्मश्री इनको कल राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर परम शक्ति इनोग्रेटेड एट आई आई टी खड़गपुर आई आई टी डेहली आई आई टी मुंबई या फिर आई आई टी या फिर नन ऑफ द एब तो बताइए सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का इनोग्रेशन अभी कहां पर किया गया है इसको कहां पर इंस्टॉल किया गया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज आई आई टी खड़गपुर ओके अच्छा ये बताइए आई आई टी खड़गपुर भारत में किस आपकी स्टेट में है ओके okay? कमेंट करते रहिए लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड सेशन ऑफ बिम्सटेक सीनियर ऑफिशियल्स मीट मीटिंग हेल्ड इन न्यू डेल्ही ढाका कोलंबो काबुल कल ही आपके बिम्स्टेक की ट्वेंटी सेकेंड सीनियर ऑफिसर लेवल की मीटिंग कंडक्ट की गई है तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई है आपको बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज कोलम्बो श्रीलंका ओके आप जानते हो बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको 1997 में जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद जो है स्टेब्लिश किया गया था और पाकिस्तान को छोड़ के जो है इसमें बाकी अन्य देश शामिल है जो हैं जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एच एम एस डायमंड इज अलीकॉप्टर मशीन गन यू ए वी डिस्ट्रॉयर एच एम एस डायमंड इनमें से क्या है फटाफट आप सभी क्लास से जुड़ते जाइए क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और सभी क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए और अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ डिस्ट्रॉयर ठीक है ये डिस्ट्रॉयर किसका है यूनाइटेड किंगडम का है ओके okay? आइन एस विक्रमादित्य इज अ डिस्ट्रॉयर ओ पी वी सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर आइन एस विक्रमादित्य इनमें से क्या है

एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज इंडियन नेवी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर इज द फुल फॉर्म ऑफ द आई एन डब्लू टी सी जिसमें हमारे इंडियन नेवी की तरफ से जितने भी तीनों कमांड्स हैं चाहे वो आपकी सदर नेवल कमांड हो वेस्टर्न नेवल कमांड हो या फिर आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड हो उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव इंट्रोड्यूस बाई इंडियन एयरफोर्स डी आर डी ओ इंडियन आर्मी लार्सन एंड टूब्रो इंडियन एयरफोर्स आई या फिर नन ऑफ द एबव फटाफट बताइए चलिए सभी के आंसर आ गए हैं और सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है ये आपका फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो इंडियन ऑयल कोऑपरेशन और इंडियन एयरफोर्स के बीच में साइन किया गया है तो इसको आप याद रखिएगा और हमारे जो वायुसेना के चीफ हैं उनके द्वारा इस पर जो है इसको लॉन्च भी किया गया एयरबस इज न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनी टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शिपिंग कंपनी या फिर एरोस्पेस कोऑपरेशन एयरबस इनमें से क्या है लगातार कमेंट करते जाइए बच्चों ना और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इट इज अयर स्पेस कोऑपरेशन ठीक है तो देखिए ये यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जो कि आपका प्लेन बनाती है दुनिया में दो ही आपकी कंपनी है जो कि आपकी सिविल प्लेन बनाती है एक तो बोइंग हो गई जो कि अमेरिका की है और दूसरी आपकी एयरबस हो गई जो कि कहाँ की है आपकी यूनाइटेड किंगडम की है नेक्स्ट क्वेश्चन मनामा इज द कैपिटल ऑफ ओमान कतर बहरीन या फिर मालदीव्स और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कल आपकी मनामा की विजिट की हुई है और वहां के डेलीगेशन से वो बात कर रहे हैं तो मनामा किस देश की राजधानी है चलिए सभी के आंसर सही हैं। और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहरीन ना तो इनकी जो है आप सबसे पहले मैप देख के इनकी लोकेशन देख लीजिए पर्सियन गल्फ की तरफ देखिए ये आपका बहरीन है ठीक है कतर सऊदी अरबिया और ईरान के जस्ट आपके सामने तो इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हो हमारे इंडियन नेवी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और गल्फ में जितनी भी कंट्रीज हैं चाहे वो सऊदी अरब हो कतर हो यूनाइटेड अरब एमीरेट हो वो सभी हमारे एक अच्छे पार्टनर हैं और हमको हर तरीके से आ, हेल्प भी किया करते हैं टाइगर ऑफ ड्रास बुक इज रिटन बाय शशि थरूर सीतारमन ये हिम्मत सिंह या फिर वीपी मलिक टाइगर ऑफ ड्रास और टाइगर ऑफ ड्रास कौन था और ये आपकी जो बुक है अनुज नायर के ऊपर लिखी हुई हुई है ठीक है आपको बताना है कि राइटर कौन है इसके एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज हिम्मत सिंह देखिए टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर ना करगिल हीरो तो ये करगिल हीरो थे हमारे अनुज नायर ना जिन्होंने अपना बलिदान देते हुए हमारे देश को विजय दिलाई तो अभी हाल ही में इस बुक का अनावरण किया गया है द टाइगर ऑफ द्रास द्रास कहाँ पे है करगिल में ओके एम आर एस एम टेस्ट फायर फ्रॉम बालासोर चेन्नई ट्रॉम्बे पणजी कल आपने क्वेश्चन को देखा भी हुआ था ना तो ये तो बालासोर उड़ीसा से था अगला क्वेश्चन आपके लिए है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कोची चंडी मंदिर पुणे या फिर मुंबई हमारे इंडियन आर्मी का थल सेना का आपका वेस्टर्न कमांड इनमें से कहाँ पर लोकेटेड है कोची में चंडी मंदिर पुणे मुंबई एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज चंडी मंदिर ठीक है तो देख लीजिए ये वेस्टर्न कमांड है आपकी ना चंडी मंदिर में नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव इंडिया क्लास जिसको हम पी सेवेंटी फाइव आई भी कहा करते हैं वो किससे रिलेटेड है टैंक से सबरीन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट से फटाफट बताइए प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव और ये क्वेश्चन आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हुए हैं चलिए सभी बच्चों के करेक्ट आंसर हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ सबमरीन ना जिसमें आपके टोटल सिक्स स्कॉर्पियो क्लास की सबमरीन बनाई जा रही हैं जिनमें से एक अच्छा आप ये बता सकते हो कि ये कौन सी सबमरीन है चलिए गेस करिए ये आपकी सबमरीन कौन सी है आप लगातार कमेंट करते जाइए और अगर आप इस फोटो को अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा भी हुआ है सबमरीन का नाम नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड यम स्लीस इंदिरा या फिर हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम इनमें से क्या है वो जो आपकी सममरीन थी वो आइनस करंज है ओके जिसको अभी हाल ही में जो है आपका इंडक्ट किया गया था आइनस करंज एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज हैंड इन हैंड ठीक है ये चाइना और आर, आ, इंडिया के बीच में एक्सरसाइज की जाती है 2020 आ, 2019 तक की गई थी उसके बाद से अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है आगे देखते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल होंगे तो इस एक्सरसाइज को फिर से एक बार कंटिन्यू करवाया जाएगा एक्सरसाइज प्रस्थान इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज बाईलेक्ट्रल एक्सरसाइज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज या फिर इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज जिसको आपके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हमारी इंडियन नेवी एयरफोर्स आर्मी और जितने भी और भी एजेंसीज हैं वो एक साथ कर रही हैं अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले आ, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने एस इंटरव्यू की तैयारी को बेहतर करने के लिए आप सभी हमारे एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं आप इस कोर्स को इस लिंक को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो भी प्रिपरेशन स्ट्रांग करके आने वाले इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाए सो द द टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एयरक्राफ्ट नॉट द गन बट द एयरक्राफ्ट ये कौन सी आपकी फाइटर प्लेन है आपको ये बताना है ओके okay? तो इसका आप आंसर कमेंट करते रहिए इसका आंसर हम कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सो बिफोर यू वाइंड अप आई वांट टू टेल यू दीज आर दी कोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग बाय दिस क्रैक एग्जाम The bundles and test series of all the courses are available, so you can avail it and enhance your preparation. You can download the PDF of this class from our Telegram and blog channel. Use this Warrant 10 code and get 10% flat discount in each and every courses which are providing by the SSB exam. So Jai and wish you all the best.